हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद तिवारी स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपका आपके चैनल पर। दोस्तों, किसान भाइयों, अन्नदाता बंधुओं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जानकारी के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर लें। अन्नदाता बंधुओं, अभी गेहूँ की कटाई व्यापक पैमाने पर चल रही थी। लगभग हमारे सभी अन्नदाता बंधुओं ने गेहूं की कटाई कर ली है, गेहूं का भंडारण भी कर लिया है और आवश्यकता अनुसार बिक्री भी कर ली है। अन्नदाता बंधु, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गेहूं की कटाई करने के बाद हम अपनी आने वाली फसल के लिए अपने खेत की तैयारी कैसे करें। अन्नदाता बंधु, अगर आपने अपने गेहूं की कटाई कंबाइन मशीन से करा रखी है, कंबाइन मशीन के माध्यम से अगर आपने अपने गेहूं की कटाई करा रखी है, तो कृपया आपसे निवेदन है कि अपनी फसल में आप अपने मशीन से कंबाइन से कटी हुई गेहूं के खेत में कभी भी आग ना लगाएं, कभी भी जलाएं ना। उसको मिट्टी पलट हल से, रोटावेटर से, हैरो से, एमबी प्लाउ से जुताई करा के उसको मिट्टी के अंदर उस रॉ मटेरियल को, उस जिस रॉ मटेरियल से भूसा निकलता है उसको मिट्टी में दबा दें। इसके बाद आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप देखेंगे वो सड़कर आने वाली फसल के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद बन जाएगी, जो कि आने वाली फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अन्नदाता बंधु, अगर आप अपने खेत में आग लगाते हैं तो आपकी मिट्टी के जो किसान मित्र कीड़े होते हैं, जो मिट्टी को लाभदायक होते हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वे कीड़े जलकर नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में जो गुणवत्ता होती है, मिट्टी में जो हमारे किसान मित्र कीड़े हमारी मिट्टी को जो लाभ पहुंचाते हैं वो कम हो जाता है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने वाले जैसे हमारे किसान मित्र कीड़ा में केचुआ बहुत ही महत्वपूर्ण केचुआ कार्य करता है हमारी खेती किसानी के लिए। केचुआ वही मिट्टी को खाता है, फिर उसको वीट करता है, जो कि एक बहुत ही उपजाऊ बना देता है मिट्टी को। और अगर हम आग लगा देते हैं तो वो केचुआ आग की वजह से मृत हो जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। और अगर हम मिट्टी को जलाते हैं, मिट्टी अगर जल जाती है, मिट्टी में अगर हम आग लगाते हैं, मिट्टी अगर जल जाती है तो मिट्टी की कार्य करने की क्षमता छीण हो जाती है। मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है, जो पौधों को पोषक तत्व पहुँचाने का एक जो तेजी होती है, पौधों को आगे बढ़ाने का जो कार्य होता है वो कम हो जाता है और हमारी आने वाली फसल की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पाता। आने वाली फसल में उत्पादन क्षमता घट जाती है और तमाम प्रकार के ऐसे रोग आ जाते हैं जिससे हमारी फसल की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, हमारी फसल में लागत का भी मूल्य नहीं निकल पाता। तो अन्नदाता बंधु, आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपनी फसल में, अपनी कंबाइन से कटाई हुई फसल में कभी भी आग ना लगाएं, उसको मिट्टी में मिट्टी पलट हल से जुताई करा दें और मिट्टी में दबा दें, सिंचाई कर दें, सड़कर खाद हो जाएगी, बहुत ही लाभदायक। आशा करता हूँ आज का यह सुझाव आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप हमारे द्वारा दिए गए सुझाव को, हमारे द्वारा किए गए निवेदन को आप स्वीकार करेंगे, अपने खेत में कभी भी आग नहीं लगाएंगे। आप उसको जो रॉ मटेरियल है उसको आप तावा पलट हल से, मिट्टी पलट हल से जुताई कराकर, सिंचाई करके उसको खाद बनाकर अपनी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक प्राप्त करेंगे, अपनी मिट्टी की सुधार करेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है, या आज पूरा समय आ गया है जैविक का, ऑर्गेनिक खेती का, तो आप भी कुछ छोटे छोटे कार्य करके धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ बढ़िए, धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़िए। और अगर जैविक खेती करते हैं तो आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है और आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर रहता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।